हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक इंटरेस्टिंग चैप्टर देखेंगे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम काफी सिंपल है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे गहरी राज है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा चीजें शायद आप लोग पढ़े होंगे, क्या मालूम, मुझे मालूम नहीं आप लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो, रिसर्च सी। चलो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एन इक्वेशन। पहले इक्वेशन क्या है समझते हैं, किसको हम इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कि सपोज आई गिव यू अ वैल्यू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से हम x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3। मतलब अगर इस इक्वेशन में हम x के जगह 5/3 डालेंगे तो LHS और RHS बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। x के जगह अगर 5/3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/3, 3 कैंसिल हो गया, 5-5 हो गया 0। गेटिंग? किसी भी दूसरा वैल्यू ऑफ x डालेंगे तो क्या LHS RHS बराबर होगा, नहीं होगा। x के जगह 2 डाल देंगे, 2 × 3 = 6 - 5 इज नॉट 0। x के जगह 5/3 डालेंगे तभी होगा। तो ऐसा स्टेटमेंट जो कि जिसमें कि LHS और RHS दोनों वैलिड होते हैं, बराबर होते हैं, कब, फॉर ए पर्टिकुलर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ द अननोन, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। समझ में आया क्या? जैसे जैसे हम कहेंगे मान लो कि साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1, इसमें x का वैल्यू क्या है, कुछ भी ले सकते हैं। इफ यू टेक 10 डिग्री तब भी 1 होगा, 20 डिग्री तब भी 1 होगा, 30 डिग्री तब भी 1 होगा। दैट मींस दिस इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, सो दिस इज नॉट कॉल्ड एन इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। आर यू गेटिंग? सपोज आई राइट अ a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। अब a और b का वैल्यू कुछ भी ले लो, दोनों तरफ बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो डिसीजन आइडेंटिटी, जिसमें दो वेरिएबल है। समझ में आया? इक्वेशन और आइडेंटिटी में अंतर समझ में आया? इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर सम टिपिकल वैल्यूज ऑफ द अननोन। ठीक है, आइडेंटिटी इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब हम कहेंगे कि अब ये देखो, तो ये क्वेश्चन में देखेंगे तो एक्स इज ओनली अननोन, इसमें ए एंड बी दो अननोन है, कितने टू वेरिएबल है वो भी तो देखना है। कोई इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन हम कब कहते हैं, वन वेरिएबल होने से वन वेरिएबल इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन कहेंगे मतलब कोई पावर नहीं होगा, उसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। समझ में? तो पहले हम इक्वेशन किसको कहते हैं और आइडेंटिटी किसको कहते हैं थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं फॉर सिंगल वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल के लिए बाद में देखेंगे, अभी हम लोग सिंगल वेरिएबल के लिए बात कर रहे हैं जिसमें एक ही वेरिएबल होगा। ए मैथमेटिकल स्टेटमेंट विथ वन वेरिएबल can be called an equation if it is valid for a particular or some particular values of the variable. समझे? यहां पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि व्हाट इज एन इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई से
2x minus 6 is equal to 0. Solving, what you find? X is equal to और 2x is equal to 6. अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या मिलेगा? 2x is equal to 6 and x is equal to 3. So this statement is valid only when x is equal to 3. You will call it an equation. समझ में आ क्या? क्या लिखेंगे? As this statement is valid for one value of x, it is an equation. It is an equation. समझ में आया? Suppose I give you an example like say x square plus 5x plus 6 is equal to 0. ऐसा कोई इक्वेशन दिया है? अब ये दिया है कि कोई भी वैल्यू ऑफ x के लिए वैलिड हो रहा है, पहले देखेंगे x इक्वल टू 1 डाल के देखेंगे, और x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 ये हो गया माइनस 5, ये हो गया 6, 1 प्लस 6 7 माइनस 5 इज 2 which is not valid, मतलब this is not valid for a particular value of x, x is equal to 1 के लिए ये valid नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें डालते हैं x is equal to 2, देखो तो क्या आ रहा है, 2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का square 4, और ये 2 into 5 हो गया, minus 10, 4 minus 10 हो गया, minus 6, plus 6 is equal to 0, 3 ले लेंगे तो, 0 ही आएगा, 3 ले लेंगे तो 3 का square क्या हो गया, 9, माइनस 5 इनटू 3 हो गया माइनस 15, 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 होता है माइनस 6, प्लस 6 हो गया 0, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए देखेंगे तो होगा क्या, देखो तो 4 के लिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 इनटू 4 20, 16 माइनस 20 इज माइनस 4, माइनस 4 प्लस 6 इज नॉट 0, मतलब वैलिड नहीं, मतलब ये भी जो है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इट इज वैलिड ओनली फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स. अब कहोगे सर कैसे पता चला, और कैसे पता चला बात हम करने जा रहे हैं, हम कहेंगे एग्जांपल में क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड ओनली फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 एंड x is equal to 3, तो ये क्या हो गया, it is an equation, so ये भी हो गया equation, क्योंकि कुछ typical value के लिए valid हो रहा है, suppose I change the case, I go for a case, say tan x is equal to sin x by cos x, sin x by cos x, कौन सा value of x के लिए valid है, for every value of x, x कुछ भी ले लो ये वैलिड है ना, तो इज इट एन इक्वेशन, नॉट इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी, समझ में, जैसे अभी भी बता रहे थे sin स्क्वायर x plus cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, दिस इज वैलिड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, इज इट इक्वेशन, नो इट्स नॉट इक्वेशन, इक्वेशन में टिपिकल स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए वैलिड होता है, नहीं तो नहीं होता है, तो दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, सो हम कहेंगे These statements are valid for all values of x. So these are not equations. They are called, क्या कहते हैं इसको, आइडेंटिटीज, तो इक्वेशन किसको कहते थे, आइडेंटिटी किसको कहते हैं, समझ में आ गया है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, कि हमें समझ में आ गया किसको हम इक्वेशन कहते हैं, किसको हम आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे
द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर व्हिच द इक्वेशन इज वैलिड आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो जो वैल्यू के लिए वो वैलिड हो रहा है उसको कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आया समझ में? जैसे अभी थोड़ी देर पहले देखिए कि ये जो स्टेटमेंट था दिस इज वैलिड फॉर x = 3 एंड x = 2 दैट मींस व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2 एंड 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नए नए टर्म है, कुछ बड़े डिफिकल्ट चीज तो नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा। कोई पूछेगा व्हाट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन 2x - 6 = 0, आप क्या कहोगे? रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज x = 3, x = 3 डालने से वैलिड होता है, सो रूट इज x = 3। समझ में आया? अच्छा, ये बात है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, हम लिखे, हाँ लिखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन किसको कहते हैं, समझ में आ गया आप लोग? लिख लिए, तो अब हमें समझ में आ गया व्हाट इट मींस बाय रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। सपोज हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल मतलब ओनली वन वेरिएबल, आइदर एक्स है और वाई है, कोई एक वेरिएबल है। लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल सपोज हम कहेंगे कोई इक्वेशन है जिसमें लिखा है सपोज लाइक दिस 3x⁷ प्लस 5x⁶ प्लस 2x⁵ माइनस 3x⁴ प्लस x⁴ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। कितना लंबा इक्वेशन है, इतना लंबा एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन की भी कुछ रूट्स रहेंगे, है ना? ऐसा कोई एक इक्वेशन का भी कुछ रूट्स रहेंगे, और ये एक सिंगल वेरिएबल हुआ क्योंकि सारे एक्स ही है, है ना? अभी उसके रूट्स निकालना है, पहले हम देखेंगे कि इस इक्वेशन को क्या कहते हैं। इसमें जो हाईएस्ट पावर है एक्स का वो कितना है? 7। तो इसको कहेंगे 7 डिग्री पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है इक्वेशन, नीचे पॉलिनोमियल, डिग्री कितना है? 7। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 7। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द इक्वेशन ठीक है, डिग्री ऑफ इक्वेशन। सपोज हम कहेंगे कहेंगे ये कौन सा डिग्री का इक्वेशन है, x टू दी पावर 3 प्लस 2x टू दी पावर 4 प्लस 6x टू दी पावर 2 माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या कहोगे आप, इसका डिग्री क्या है? 4, है ना? तो डिग्री हो गया 4। तो एग्जांपल में पता चल गया कि डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज द हाईएस्ट पावर, डिग्री इज 4। जानने से फायदा क्या है? फायदा ये है
कि कोई एक इक्वेशन में कितने ठो रूट निकलेगा, कोई एक इक्वेशन में कितने ठो रूट निकलेगा, दैट इज डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर डिग्री ऑफ इक्वेशन 4 है तो देर आर 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वेशन विल बी वैलिड। समझ में आया क्या, है ना? तो अगर इसको किसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, एक्स का कितना ठो वैल्यू मिलेगा जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, फोर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर फोर डिफरेंट वैल्यूज एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे इन जनरल, जैसे फॉर ए इक्वेशन ऑफ डिग्री, फॉर ए डिग्री एन, द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू एन, ठीक है ना? सपोज हम एक कोई इक्वेशन देते हैं 3x+9 इज इक्वल टू 0, फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इक्वेशन विल बी वैलिड, ओनली वन, नहीं? सपोज आई गिव यू क्वेश्चन लाइक इक्वेशन लाइक से 4x²-7x+11 इज इक्वल टू 0, फॉर हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन विल बी वैलिड, 2, सो हाउ मेनी रूट्स, दिस हैज 2 रूट्स, दिस हैज 1 रूट, है ना? अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन होगा तो कहेंगे 3 रूट्स। आर यू गेटिंग, समझ में आया क्या? तो एक इक्वेशन में कितने टू रूट निकलेगा उसका हाइट पावर से ही पता चल जाता है, है ना? अच्छा ये बात है, तो कहेंगे नंबर ऑफ रूट्स हो गया 1, नंबर ऑफ रूट्स हो गया 2, तो ये हमें समझ में आ गया, ठीक है? नंबर 5 कहेंगे एन इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर, एन इक्वेशन विद हाईएस्ट पावर 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या समझ में आया? कोई इक्वेशन का अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितने टो रूट होता है? 2 रूट होता है। हमारा काम रहेगा पूरा का पूरा चैप्टर में कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका दोनों रूट बताओ, एंड वी शैल सी 2 डिफरेंट मेथड्स फॉर इट, ठीक है? चलिए क्या यहाँ तक मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज पॉइंट नंबर 6 में हम देखना चाहते हैं कि टू फाइंड और टू डेवलप ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर नोन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स मालूम है तो उस इक्वेशन को कैसे डेवलप करेंगे? समझ में आया? ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना जिसका रूट्स हमें मालूम है, फिर बाद में उल्टा देखेंगे, इक्वेशन दिया तो रूट्स कैसे निकलना, अभी रूट्स मालूम है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। अच्छा ऐसे ले लेते हैं, लेट एन इक्वेशन इज वैलिड फॉर एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब वो कैसा इक्वेशन होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, 2 रूट है ना? हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है जो कि वैलिड है किसके लिए, एक्स इक्वल टू ए के लिए और एक्स इक्वल टू बी के लिए वैलिड है। क्या मेरी बात ठीक से समझ में आ रहा है? यस, हम बनाना चाहते हैं व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है जिसका रूट्स होंगे एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है? अच्छा
तो x इज इक्वल टू a इंप्लाइज x माइनस a इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू b इंप्लाइज x माइनस b इज इक्वल टू जीरो। हमें एक इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब x का पावर क्या होगा 2 होगा नहीं, और जो कि इस रूट्स के लिए वैलिड होंगे। तो क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, देखो तो x माइनस a जीरो है, x माइनस b जीरो है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, है ना। अब ये इक्वेशन इज वैलिड ओनली व्हेन x इज इक्वल टू a और b, क्योंकि x इज इक्वल टू a डालेंगे ये तो हो जाएगा a माइनस b, लेकिन ये हो जाएगा जीरो, जीरो इनटू एनीथिंग इज जीरो, सो x इज इक्वल टू a के लिए वैलिड है। x इज इक्वल टू b डालेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस a और ये हो जाएगा b माइनस b हो गया तो जीरो, दोनों मल्टीप्लाई करो तो जीरो, किसी भी तीसरे वैल्यू के लिए ये वैलिड होगा क्या, नहीं होगा। सो whatever after simplification whatever we get we can call it the quadratic equation having roots a and b। समझ में आ रहा है क्या? तो अभी हम इसका roots निकालना चाहते हैं। चलिए अब roots निकालना चाहते हैं तो थोड़ा space यहाँ पे बनाते हैं। क्या आपको ये multiplication आता है? Yes sir। Everyone knows, teacher ने बताया था, है कि नहीं? कैसे निकालते हैं? x को इसके साथ एक बार, x को इसके साथ एक बार, minus a को इसके साथ एक बार, minus a को इसके साथ एक बार, ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? हाँ क्यों ऐसे करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए? हाँ क्यों ईच वैल्यू को इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, के करके? टीचर बोले होंगे? हाँ चलो चलो मैं थोड़ा आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि हाउ कम दिस थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड। अब टीचर बोल दिए बोल के आपको आसान हो गया, अगर टीचर नहीं बोले तो कैसे करते आप? जस्ट थिंक ए केस, सपोज मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ व्हाट इज a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, क्या होगा आंसर बोलिए? ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, ये सबको आता है, हुआ कैसे? लेट मी टेक ए रेक्टेंगल जिसका साइड लेंथ है a प्लस बी, हो गया। दूसरा रेक्टेंगल जिसका साइड लेंथ है C प्लस डी, ये हो गया C प्लस डी, ये हो गया A प्लस बी। नाउ जस्ट ड्रॉ लाइंस, व्हाट यू फाइंड, देयर आर फोर रेक्टेंगल्स, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, सम ऑफ ऑल दिस एरियाज। व्हाई आई एम टेलिंग द फंडामेंटल, बिकॉज समटाइम्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए एल्गोरिथम और ए कंप्यूटर प्रोग्राम, लॉजिक मालूम नहीं तो प्रोग्राम कैसे बनाओगे, है ना? कंप्यूटर में कुछ लिखोगे तब ना वो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेगा, है कि नहीं? तो देखो तो अगर हम ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहेंगे, दैट इज सम ऑफ दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया एंड दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया, ए सी, व्हाट इज दिस एरिया, बी सी, ये बी है, ये सी है, व्हाट इज दिस एरिया, ए डी, और ये बी डी, हां तो हम क्या कहेंगे, टोटल एरिया मतलब ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी प्लस ए डी प्लस बी डी, हो गया ना सर? वो जो हम लोग कर रहे हैं, बट फंडामेंटल मस्ट बी क्लियर कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। टीचर बोल दिए तो हम करेंगे ऐसा नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट सब्सटेंशियल लॉजिक होना जरूरी है। तो चलो अगर आपको ये आता है, बोल के आता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इसके साथ माइनस बी एक्स, माइनस ए को करो माइनस एक्स, माइनस ए इंटू माइनस बी, तो हो गया प्लस, आया क्या समझ में, है ना? तो सजा के लिखो तो क्या आ गया, ये x स्क्वायर माइनस x goes common, what is that, b plus a plus ab is equal to zero। ये स्टेटमेंट हमें बड़ी जरूरत में आएगा आगे आगे, मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऐसे लिखा है, दिस रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द रूट्स, है कि नहीं, दिस रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स,
समझ में आ रहा है क्या? ये हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा, इसी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें रूट्स दिया गया है ए और बी, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। डेवलप द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 2 and minus 3, जिसके रूट है क्या 2 and minus 3, उसको डेवलप करना है। सर हो गया। हाँ देखो कितना सिंपल, कैसे लिखेंगे आंसर, कैसे लिखेंगे? कहेंगे it is x is equal to 2 implies x minus 2 is 0, x is equal to minus 3 implies x plus 3 is equal to 0. तो the equation is, क्या कहेंगे, x minus 2 into x plus 3 is equal to 0, multiply करो क्या आ जाएगा, will becoming x square plus x minus 6 is equal to, तो ये equation is valid for 2 and minus 3, इसमें अगर हम x के जगह 2 डालेंगे तो LHS RHS होगा, 2 डाल के देखो तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर इज प्लस 2 माइनस 6 0 होता है ना, होता है। और अगर x के जगह माइनस 3 डाल देंगे तो चलो देखते हैं, माइनस 3 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, हो रहा है क्या 0, देखो ये हो गया प्लस 9 और ये माइनस 9 0 हो गया। दैट मींस दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर x इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट होते हैं, अगर दो रूट दिया गया तो हम इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इक्वेशन दिया है और रूट्स पूछा है तो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अगर इक्वेशन दिया है रूट्स निकालेंगे, देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स, आई टेल यू टू डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लोग थोड़ा थोड़ा जानते हो, जिसमें अगर होल नंबर्स रहेंगे तो आप कर लेंगे, मान लो उसमें एक रूट रहेगा 7/11 तो आप नहीं कर सकते, आप तो ढूंढते हो ऐसे नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कुछ हो रहा होगा, एड करने से कुछ हो रहा होगा, लेकिन वो होल नंबर होंगे तो बन जाते हैं, फ्रैक्शंस होंगे तो उस मेथड में बनते नहीं है। डेसिमल से तो हाँ तो फिर दूसरा वाला मेथड हमें करना पड़ेगा। लेट अस, अब हम देख रहे हैं टू फाइंड सॉल्यूशंस, ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशंस मतलब रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हम कैसे निकालेंगे। फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, वी नो दैट इफ एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज, क्या है अभी अभी देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स ने और प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। तो जब भी हमें कोई चीज दिया रहेगा हमें देखना है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग सम ऑफ द रूट्स, दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव टू सॉल्व। हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये वाला जो टर्म है उसको कैसे दो क्वांटिटी के सम के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे और सेम दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यहां पर आ रहा होगा, समझ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर
प्लस सिक्स एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो. आई हैव टू फाइंड आउट टू क्वांटिटीज जिनका सम होगा फाइव और प्रोडक्ट होगा सिक्स. सम होगा फाइव और प्रोडक्ट होगा सिक्स. ये जो मेथड है इसको क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन मेथड. ठीक है, ऐसा दो नंबर बोलो जिनका सम है फाइव और प्रोडक्ट है सिक्स. ऑब्वियसली टू एंड थ्री है, टू एंड थ्री का सम होता है फाइव, ये होता है सिक्स. तो जैसे पता चल गया कि सम ये मतलब ये सम होगा फाइव और ये होगा सिक्स, तो रूट्स क्या बन गए? रूट्स आर टू एंड माइनस टू एंड थ्री होंगे, इट विल बी माइनस टू एंड माइनस थ्री. तो इसको आप कैसे लिखोगे? जैसे पता चल गया तो आप इसको लिखोगे ऐसे, यू कैन राइट दिस क्वांटिटी एज एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो. होगा कि नहीं होगा? प्लस प्लस दिया है सॉरी, एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. हो गया ना? ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें आप लोग करते हो, स्कूल में भी ये चीज करवाते हैं. तो रूट माइनस टू माइनस थ्री. यस यस यस, रूट हो गए माइनस टू माइनस थ्री. रूट्स आर माइनस टू माइनस थ्री. अच्छा, अगर मैं यहाँ पर फाइव और सिक्स देने की बजाय यह यहाँ पर दे देता फाइव पॉइंट सेवन, यहाँ पर दे देता सिक्स पॉइंट वन, क्या आप ढूंढ सकते? बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढने के लिए. तो फैक्टराइजेशन मेथड का लिमिटेशन है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद होल नंबर रूट्स यू मे कैलकुलेट यूजिंग दिस मेथड, बट देयर इज अनदर मेथड टू कैलकुलेट. दूसरा मेथड तो कोई भी रूट्स रहेगा आप लोग आसानी से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो. समझ में आया? सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अगर ऐसा कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स क्या होंगे? द रूट्स आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर बाय टू ए. मतलब एक बार प्लस वैल्यू लेके करना, एक बार माइनस वैल्यू लेके करना. समझ में आ रहा है क्या? तो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? एक बार प्लस वैल्यू लेंगे एक रूट आएगा. अगर लिखने चाहेंगे सेपरेटली तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर बाई टू ए. और दूसरा वैल्यू क्या हो गया? दूसरा वैल्यू इज माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर बाई टू ए. तो आपको एक्स का दो वैल्यू मिल जाएगा, फटाफट दोनों वैल्यू आपको मिल जाएंगे. समझ में आ रहा है? चलिए तो अब इसको याद रखो. पहले क्या है बोलो मेरे साथ? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी होल रूट बाय टू ए. क्या ये स्टेटमेंट आपको याद रह रहा है? माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर सी होल रूट बाय टू ए. समझ में आया? बस आपको समझाने के लिए कि मेथड कितना आसान है, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन. रूट लिख लो फॉर्मूला लिख लो, फिर हम लोग इसको करते हैं. फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला, फर्स्ट मेथड का कोई फॉर्मूला नहीं था, सम ऑफ द रूट्स. हाँ, फर्स्ट मेथड का लिख नहीं पाया. ठीक है, मतलब बैठ गए थे हम लोग. यहाँ पे देखिए सेकंड मेथड में, जो पहला वाला फैक्टराइजेशन मेथड देखिए, उसमें क्या डिफिकल्टी था? डिफिकल्टी ये था कि अगर होल नंबर से तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन से तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इन दैट केस हमारे पास एक रेडीमेड इक्वेशन है, इसको भी डिराइव कर सकते हैं कैसे वैल्यू आया, लेकिन डिराइवेशन के लिए अभी समय नहीं खपाते हैं. लेट अस सी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स क्या होंगे? रूट्स क्या होंगे जानने की तरीका हुआ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का होल रूट बाई टू ए. मतलब एक बार प्लस लेके करोगे तो एक वैल्यू आएगा, माइनस लेके करोगे तो दूसरा वैल्यू आएगा. समझ में आया? टू गिव यू ए बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको ऐसे जाता हूं.
जस्ट फॉर सेक ऑफ वेरिफिकेशन एंड एग्जाम्पल यू कैन से कंसिडर द इक्वेशन x माइनस टू इंटू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, ये देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, है ना, विथ रूट्स। इनके रूट्स क्या थे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो करो तो मिलेगा टू एंड माइनस फोर, तो रूट्स आर टू एंड माइनस फोर। हम एक इक्वेशन कंसीडर करें जिनका रूट से 2n माइनस फोर। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, x माइनस फोर x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, मल्टीप्लाई किया जीरो हो गया, सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन आ गया। हमें इस इक्वेशन का रूट ऑलरेडी मालूम है, क्या है 2n माइनस फोर, लेकिन निकालना है फॉर्मूला लगा के। कौन सा फॉर्मूला लगा के, अभी जो फॉर्मूला बताए ये वाला फॉर्मूला लगा के निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगा के हमें रूट निकालना है। तो ये फॉर्मूला में जो हम यूज किए हैं इसमें ये क्या था बताओ, स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मेट था एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे करके था ना। तो चलिए कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ किसके साथ, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें ए का वैल्यू क्या मिला, एक्स मतलब एक्स का कोफिशियंट है, क्या मिला 1, b के जगह वैल्यू क्या मिला बताइए, b के जगह क्या मिला bx है, यहां पर 2x है 2, c के जगह वैल्यू क्या मिला माइनस 8, abc का वैल्यू मिल गया। अब हमें x का वैल्यू पता करना है, रूट्स पता करना है, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल पावर बाई 2a। इसको दो तरीके से लिखते हैं, एक बार प्लस करके लिखते हैं एक बार माइनस करके लिखते हैं। चलिए ये हो गया एक, दूसरा हो गया माइनस b माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डबल बाई 2a, यही तो था कि नहीं। चलिए अगर यही है तो वैल्यू डालते हैं, पहला वाला b के जगह क्या डालेंगे 2, आया माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है माइनस 8 होल रूट ऑफ बाय 2a, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 1। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है, इस इक्वेशन में हम b a c का वैल्यू डाल दिए हैं, सिमिलरली इसमें भी डालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस b के जगह क्या लिखेंगे माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया माइनस 8 होल रूट ऑफ बाय 2 इंटू 1, ए का वैल्यू 1 है। कहां से पता चला, बाय कंपेयरिंग आवर इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा, पहले बताओ आर यू एबल टू फॉलो इट। देखो पहली बार कर रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट तो लगेगा लेकिन आपको समझना पड़ेगा। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना आ रहा है, ये कितना हो गया देखो तो माइनस 8 इंटू माइनस 4 हो गया 32, 32 प्लस 4 क्या हो गया 36, रूट ओवर क्या हो जाएगा 6, सो इट इज माइनस 2 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय नीचे है 2, है कि नहीं, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 माइनस अंदर वाला चीज तो वही है, क्या है 6 बाय 2, तो x का दो वैल्यू आया, कि कितना हुआ देखो माइनस 2 प्लस 6 बाय 2 हो गया 2, माइनस 2 माइनस 6 बाय 2 हो गया माइनस 4, एंड दीज आर द रूट्स, 2 एंड माइनस 4 आर द रूट्स जो हमें मिल गया। समझ में आ रहा है क्या, तो हम कहेंगे यस द रूट्स आर कमिंग आउट टू बी माइनस 2 एंड 4, रूट्स आर कमिंग आउट टू बी माइनस 2 एंड 4, ठीक है ये हो गया। तो क्या मिल गया हमें आंसर, हमें आंसर मिला द रूट्स आर माइनस 2 इससे आया और इससे आया, सॉरी
प्लस टू एंड माइनस फोर दी जाते रूट्स। क्या बात समझ में आ रहा है? पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, इक्वेशन याद नहीं रह रहा होगा, डोंट वरी, जैसे जैसे आप करने लगोगे आपको ये फॉर्मूला याद रह जाएगा। ये फॉर्मूला को छोड़ के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। दिस फॉर्मूला यू हैव टू नो। समझ में आया? चलिए मैं आपको एक छोटा सा इक्वेशन देता हूँ और इसका सोल्यूशन को हम सेकेंड मेथड से करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या करना पड़ा, जो इक्वेशन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करो, नहीं? कंपेयर करने के बाद एबीसी का वैल्यू पता कर लो। एबीसी का वैल्यू पता करने के बाद सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज और एक्स का रूट आपको मिल गया। क्या वैल्यूज? माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर बाई टू, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर रूट ऑफ बाई टू। दो वैल्यू तो है, खाली यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपको देता हूं। फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो। शायद फैक्टराइजेशन मेथड से आपको पता चल रहा होगा। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो हमें दो नंबर ढूंढना है जिनको ऐड करने से माइनस सेवन होगा, मल्टीप्लाई करने से टेन होगा। कोई बताएगा? व्हाट आर द टू वैल्यूज जिनको ऐड करने से माइनस सेवन होता है, मल्टीप्लाई करने से टेन होता है? माइनस टू एंड माइनस टू एंड माइनस फाइव, मतलब रूट्स आर माइनस टू एंड माइनस फाइव, ये हमें मालूम है। लेकिन हमें मालूम नहीं चला, तुम लोग सियाने हो, तुम लोग बना ली, मेरे को बनाना नहीं आता है। तो क्या करेंगे, सोल्यूशन कैसे करेंगे? कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। क्या मिला? ए का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए कमिंग आउट टू बी? सेवन। हाँ, ए का वैल्यू, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है, इधर ए एक्स स्क्वायर है, मतलब वन। बी का वैल्यू माइनस सेवन, सी का वैल्यू टेन। एक्स जो रूट से कैसे निकालते हैं उसको? ए इज इक्वल टू और रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर डबल बाई टू ए। वैल्यू डाला जाए, माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, बी तो माइनस सेवन था, माइनस बी क्या हो जाएगा? प्लस सेवन है कि नहीं? माइनस बी हो गया प्लस सेवन, फिर प्लस और माइनस दोनों साइन दे दिए। यहाँ पे क्या आया? बी स्क्वायर माइनस सेवन का स्क्वायर इज 49 माइनस 4ac, a कितना है 1, c कितना है 10, सो इट इज 4 इंटू 1 इंटू 10 बाय 2 इंटू a, a कितना है 1, फिर डालो तो ये आ गया 7 प्लस और माइनस ये हो गया 49 माइनस 40, ये तो सबको आता है 9, रूट ओवर क्या होगा 3, तो हम कहेंगे 7 प्लस माइनस 3 बाई 2 दैट इज इक्वल टू। अगर प्लस 3 लेंगे तो क्या आएगा? अगर प्लस वैल्यू लेंगे क्या आएगा? 7 प्लस 3 इज 10 बाई 2 हो गया 5। अगर माइनस वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 7 माइनस 3 हो गया 4 बाई 2 हो गया, सो रूट्स आर 5 एंड 2। समझ में आ रहा? Is it understood to everyone? Yes. ये सबको समझ में आ गया। समझ में आया? तो जब जब ऐसे होल नंबर रूट्स आते हैं आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड काम करेगा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं। सम ऑफ द टू नंबर शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर शुड बी इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। ठीक है, वो है, आपको स्कूल में भी पढ़ाते हैं, आप लोग उसको करते हो, मेरे को लेकिन ये वाला जरूरत होता है क्योंकि हर जगह मुझे इसे होल नंबर्स नहीं मिलेगा, फ्रैक्शंस आएंगे तब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या ये मेथड में सबको ठीक से समझा पाया? हाँ, मैं अगर अभी दूसरा इक्वेशन दूंगा तो आप लोग फटाफट रूट्स निकाल के बता सकते हो। अच्छा चलिए रूट्स बताइए। फाइंड रूट्स ऑफ
3x² + 6x - 8 = 0। किसी भी मेथड से करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। यू डू इट इन एनी मेथड यू लाइक बट आई वांट द आंसर द रूट्स ऑफ है ना रूट्स ऑफ दिस आर टू बी फाउंड। किसी भी मेथड से करो आपकी मर्जी। अगर मिडिल टर्म फिल्ट्रेशन कर सकते हो तो करके दिखाओ, नहीं तो फिर दूसरा मेथड रेडीमेड वाला फॉर्मूला है उसको यूज करके करो। किसी भी मेथड में आप कर सकते हो, ट्राई नाउ। लेट मी डू इट नाउ। आप लोग ट्राई कर चुके हैं और आंसर भी निकाल चुके हैं। हाँ चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं। कंपेयरिंग सॉल्यूशन की बात करें, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू आ रहा है 3, b का वैल्यू आ रहा है 6, c का वैल्यू आ रहा है -8। फॉर अब रूट्स आर x = -b + b² - 4ac / 2a। वैल्यू डाला जाए -b = -6 + 36 - 4ac - 4 into 3 = c - 96 तो हो गया +96 / 2a = 2 into 3। ए का वैल्यू 3 था प्रीवियस क्वेश्चन में। ए का वैल्यू क्या था? ए का वैल्यू अच्छा कुछ नहीं था तो यहाँ पर ए का वैल्यू 3 है। ठीक है तो इसमें क्या आ गया देखो तो इट इज -6 + -96 + 36 √132/6। तो रूट्स क्या बन गए? रूट्स बन गए, इसको डिवाइड करो मिल जाएगा -1 + √132/6। तो व्हाट आर द टू रूट्स? वन रूट इज -1 + √132/6, दूसरा हुआ -1 - √132/6। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा आप उसके रूट्स निकाल सकते हो, है ना? हाँ सर। अच्छा मैं आपको अभी और एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं। न्यूमेरिकल्स तो देखेंगे हम लोग करेंगे, है ना, लेकिन उससे पहले इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, ठीक है, और अल्फा एंड बीटा हो गए रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन हम लिख सकते हैं x - α (x - β) = 0। अल्फा बीटा वैल्यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, रूट्स मालूम है। सिंपलीफाई करो तो क्या मिलेगा? इट इज कमिंग आउट टू बी x² - α (β) × x + α (β) = 0। ठीक है, अगर इसको हम हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिरिटन एज ax² + bx + c = 0। इसको लिख सकते हैं x² + b/a + c/a = 0। ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये जो इक्वेशन था ए डिवाइड कर दिया दोनों तरफ,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें दोनों तरफ हम ए डिवाइड कर दिए तो ये हो गया वन, ये हो गया बी बाई ए, ये हो गया सी बाई ए। समझ में आ रहा है सबको? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में अगर हम दोनों तरफ ए डिवाइड कर देंगे, जीरो बाई ए तो जीरो है, ए एक्स स्क्वायर बाई ए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बी एक्स बाई ए हो गया, सॉरी ये एक्स मिसिंग है, एक्स टर्म इज मिसिंग, एक्स टर्म इज मिसिंग, बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए ये हो गया हमारा इक्वेशन वन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। वन और टू को कंपेयर करिए, अगर अल्फा बीटा रूट्स है तो इक्वेशन ये होना चाहिए, दिया गया है ये, अगर अल्फा बीटा आर द रूट्स देन इक्वेशन होना चाहिए ऐसे, लेकिन हमें दिया गया है ऐसे, है ना। अच्छा अगर ये बात है तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू क्या मिल रहा है, देखो तो ये दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है, इसका भी वन है, इसका है माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स का कोफिशिएंट, इसका है बी बाई ए, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे इसमें, माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए और अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए। दूसरा यहां पर अल्फा इंटू बीटा है, यहां पर है सी बाई ए, तो कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो क्या कंक्लूजन मिला, कैसे मिला करके दिखाया, क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन ये मिला, कंक्लूजन में हमें क्या मिला, फॉर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या हो रहा है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो रहा है, सी बाई ए। क्या बात समझ में आ रहा है, समझ में आ, दोनों रूट का सम हो गया माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट हो गया सी बाई ए, ठीक है। अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, एक इक्वेशन देता हूं ऐसे, मान लो फॉर एग्जाम्पल 3x² plus 5x plus 9 is equal to 0, इसके दो रूट्स हैं, दोनों रूट को जोड़ेंगे तो कितना होगा, क्या है रूट्स मालूम नहीं, लेकिन दोनों रूट को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बी बाई माइनस बी बाई ए, इसका b कितना है 5, a कितना है 3, तो माइनस 5 बाई 3। इसमें एग्जाम्पल में हम कहेंगे सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई थ्री, सॉरी सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा माइनस फाइव बाई थ्री और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा बताओ, इसके जो दो रूट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यस, तो ये एग्जांपल पे लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव बाई थ्री, कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है क्या, हाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3, 9/3 मतलब इसके क्या रूट है हमें मालूम नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा माइनस फाइव बाई थ्री, है ना, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3, जिसको लेके फैक्टराइजेशन मेथड बन रहा था, इसी कंसेप्ट से फैक्टराइजेशन मेथड बनाने की वो कोशिश कर रहे थे, सम विल बी दिस प्रोडक्ट विल बी दिस, ऐसे करके। क्या मेरी बात समझ में आया, ठीक है, देख लीजिए ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी तक हम लोग जितने सारे चीजें देख लिए, थोड़ा सा मैं रिकैप करना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया पूछना चाहता हूँ। कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कब कहते हैं, जब उसका वेरिएबल का कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होता है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ये वैलिड होता है, उसको इक्वेशन कहते हैं।
है ना। अच्छा, कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम आइडेंटिटी कब कहते हैं? सारा वैल्यू के लिए वैलिड होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कोई पूछेगा थीटा का वैल्यू बताओ, कुछ भी ले लो, है कि नहीं? अच्छा, अब कोई इक्वेशन का डिग्री किसको कहते हैं? अगर कोई सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन है उसका डिग्री किसको कहते हैं? द हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, कोई अगर कोई पॉलिनोमियल है, कोई इक्वेशन है जिसमें हाइस्ट पावर अगर 7 है तो उसमें वेरिएबल का हाउ मेनी वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं? 7 वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल गिव्स यू द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अच्छा, जिस जिस वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए वो इक्वेशन वैलिड होता है उसको उस इक्वेशन की रूट्स कहते हैं। इतने सारे बात करने के बाद हम लोग बात किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक्स का हाईएस्ट पावर होता है 2। इसमें कितने टू रूट होते हैं? दो रूट होते हैं। दो रूट होते हैं का मतलब हुआ फॉर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज वैलिड, है ना। और अगर हमें किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों रूट मालूम है, सपोज एक्स इज इक्वल टू ए के लिए वैलिड है, एक्स इज इक्वल टू बी के लिए वैलिड है, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करने के लिए कहा गया, तो हम क्या करेंगे? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, दैट गिव्स अस द इक्वेशन। ये भी हम लोग प्रीवियस क्लास देखें, अगर रूट्स मालूम है तो इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं। फिर हम क्या देखें, अगर इक्वेशन दिया है रूट्स निकालने की बात हुआ तो हमारे पास दो तरीके थे, एक था मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने की। नहीं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जो मिडिल टर्म होता है मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में जिसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहेगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या किया हम लोग, अगर कोई इक्वेशन दिया गया है जो हम लोग डिस्कशन किए हैं उसी को एक बार हम खाली दोबारा आपके सामने रख देते हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे बढ़िया से। हम देखें कि फर्स्ट मेथड जो देखे हमें क्या देखे, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दिया है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, तो पहले आप इसको इस फॉर्म में लाओ फर्स्ट मेथड में, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसा दो वैल्यू चुनना है जिनका सम होगा बी बाई ए और प्रोडक्ट होगा सी बाई ए। समझ में आ रहा है क्या? Those values are called roots of the equation. So that is called middle term factorization method. इसका limitation क्या था? When the roots are whole numbers, you can easily find out. Roots are like 2, 3, 5, 7. तो बनता है। ये सब चीजें minor classes में कराते हैं। लेकिन suppose roots of a quadratic equation are 3.7 and 4.91. तो इस method से करना बहुत ही मुश्किल है, करना बहुत ही difficult है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वी गो फॉर सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कहता है कि अगर ऐसा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x का रूट क्या होता है, माइनस बी प्लस एंड माइनस, दो वैल्यू लेना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास मतलब हमारे इससे पहले हम लोग सारे चीजें देख चुके हैं, है ना। थोड़ा मैं आपकी प्रैक्टिस देखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू गिव यू सम स्मॉल क्वेश्चंस एंड गिव मी द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताना है, द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन बिलो। Develop the equation. दो चॉइस दिया है, पहला दिया है x is equal to minus 5 और दूसरा दिया है x is equal to 7. दूसरे में दिया है x is equal to 2 and x is equal to 2. Both the roots are equal. ऐसा भी हो सकता है, both the roots are equal. ठीक है, ये केस में आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। आप इसको अभी करना शुरू करो और गिव मी द आंसर्स। ट्राई, यू कैन डू इट नाउ। करिए, गिव मी द
quadratic equation whose roots are like this. In bit number 1, x is equal to minus 5, x is equal to 7. Bit number 2, both the roots are equal, x is equal to 2 and x is equal to 2. ठीक है, चलिए चलिए आप लोग ट्राई कर चुके हैं, आप सॉल्यूशन कुछ ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विल गो लाइक दिस। सॉल्यूशन है बीट नंबर वन का, x माइनस फाइव और x इज इक्वल टू माइनस फाइव इंप्लाइज x इज इक्वल x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, x प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू सेवन इंप्लाइज x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों जीरो है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इक्वेशन इज x प्लस फाइव इंटू x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा x स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो। क्या बना है ये पहला वाला सबका? Yes, sir. Yes, sir. बन गया है। चलिए बिट नंबर वन सबका बन गया, अब मुझे बिट नंबर टू देखना है, बिट नंबर टू बनाना है। ठीक है, बिट नंबर टू के लिए क्या दिया है, x इज इक्वल टू टू मतलब x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस टू इसके लिए भी उसके लिए भी दैट इज इक्वल टू जीरो। और ये तो सबको आता है, कितना होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू x इंटू माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कितना गंदा हो गया, जगह नहीं है लिखने के लिए। हाँ थोड़ा इस पे ले आओ इधर, ये भाई साहब को थोड़ा जगह बनाते हैं, आ जाइए इधर। यस ठीक है, ठीक है। नाउ सी हियर, आई वांट टू मेक द इक्वेशन x माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस और माइनस 2 इंटू 2 इंटू x प्लस 2 स्क्वायर है ना इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया ये, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। क्या ये दोनों इक्वेशन हुए थे? यस सर, हुए थे। तो यू गॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिनके रूट्स बन गए ये। समझ में आया क्या? तो पहला वाला क्वेश्चन सबका बन गया, आप लोग कुछ लोग देर कर लिए मतलब पढ़ के नहीं आए ढंग से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू जीरो। फाइंड रूट्स, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, एवरीवन कैन डू, प्लीज डू इट नाउ। देखो तो सॉल्यूशन बनाओ, कौन सा मेथड में करना चाहोगे, फर्स्ट मेथड की सेकंड मेथड? फर्स्ट मेथड में करना है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि ये 6 है, जो दो रूट है उनका सम होना चाहिए 6 नहीं, और प्रोडक्ट होना चाहिए 9। ऐसा दो नंबर बनाइए बताइए जिनका सम है 6 प्रोडक्ट है 9। 3 एंड 3, 3 एंड 3 का सम होता है 6 प्रोडक्ट होता है 9 है कि नहीं। तो रूट्स क्या बन गए, 3 एंड 3, सो माइनस 3 एंड माइनस 3 रूट्स क्या बन गए, x इज इक्वल टू 3 के लिए वैलिड होगा कि नहीं ये, x इज इक्वल रूट्स आ गए इसमें 3 एंड 3 तो हो गया माइनस 3 एंड 3। समझ में आ रहा ना? तो हम कहेंगे रूट्स आर क्या, यहां पर रूट्स आर माइनस 3 एंड माइनस 3। समझ में आया? तो बन गए माइनस 3 और माइनस 3 को रूट्स ले लेंगे तो सम ऑफ द नंबर्स हो जाता है माइनस 37। आया समझ में सबको? इज इट अंडरस्टूड और नॉट? अच्छा
अगर इसको सेकंड मेथड में करेंगे तो रूट्स कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला लगाएंगे सेकंड मेथड में करने के लिए। सेकंड मेथड में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हमें मिला ए का वैल्यू कितना है, इसके साथ कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कोएफिशिएंट ए है, इधर वन है, तो ए क्या लेंगे, वन नहीं, बी कितना लेंगे, सी कितना लेंगे, नाइन। तो फिर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, होल डिवाइडेड बाय टू ए। चलिए लिखते हैं क्या हो गया, देखो तो माइनस बी मतलब माइनस सिक्स प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर हो गया सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन इंटू वन का रूट ओवर बाय टू ए, ए कितना है वन है बाय टू कितना आया, ये क्वांटिटी तो जीरो हो गया, सिक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू नाइन हो गया जीरो, माइनस सिक्स प्लस जीरो माइनस सिक्स माइनस जीरो बात तो एक ही हो गया, तो माइनस सिक्स बाई टू तो वैल्यूज क्या है माइनस थ्री कॉमा, समझ में आया क्या, इज इट अंडरस्टूड, यस। तो ऐसे करके हम रूट्स निकाल दिए हम इसके, ठीक है ओके। चलिए दूसरा क्वेश्चन देता हूं आपको निकालने के लिए, टू फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होल नंबर थे बोल के आप इसको कर दिए किसमें, फैक्टराइजेशन से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में कर लिए, अगर होल नंबर नहीं होता तरीका मालूम होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया है फाइंड the roots of 4x square minus 8x plus 4, थोड़ा सोचने दो ताकि आपको वैल्यूज भी प्रॉपरली मिले। सोचो आपको निकालना है रूट्स इसका, हड़बड़ी में गड़बड़ी है। तो चलिए जब ऐसा क्वेश्चन करने की नौबत आता है तो हम लोग कुछ ऐसे करते हैं, पहले एक क्वेश्चन में देखो तो कुछ कॉमन जाएगा क्या, हाँ बड़े बड़े टर्म को क्यों लेंगे हम लोग कंसीडरेशन में, चलिए 4 कॉमन ले लेते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, कैन वी राइट इट एज 4 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 जो कॉमन था लाके डिवाइड कर दिया, इक्वेशन सिंपल हो गया ना, रिड्यूस हो गया, इतने बड़े बड़े टर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए क्या मिला वन, बी क्या मिला माइनस टू, सी क्या मिला वन, अब एक्स का वैल्यू क्या बनेगा, एक्स इज माइनस बी प्लस एंड माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। चलिए माइनस बी मतलब टू प्लस एंड माइनस, बी स्क्वायर मतलब माइनस टू का स्क्वायर दैट इज फोर, माइनस फोर ए सी, ए भी वन है सी भी वन है, फोर इंटू वन ई सेम एज फोर होल रूट ओवर बाय टू ए, ए कितना है वन, सो टू इंटू वन सिंप्लीफाई करो तो ये क्वांटिटी हो गया जीरो,
समझ में आया क्या? ये क्वांटिटी हो गया जीरो। अच्छा तो हम देख रहे हैं जीरो हो गया, तो ये हो गया टू प्लस जीरो बाई टू, ये टू बाई टू हो गया वन, सो इट इज वन एंड वन। एक बार प्लस साइन लिए तो हुआ वन, एक बार माइनस साइन लिए तो हुआ वन, सो देर आर टू रूट्स वन एंड वन। क्या बात समझ में आया? यस सर। नो यस। चलिए चलिए यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। नोट करने लायक है कि पहला फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यू नो द रूट्स आर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, है ना? ये चीज सबको मालूम है। यहां से एक चीज हमें समझ में आ रहा है, अगर हम कहेंगे बी स्क्वायर और फोर ए सी बराबर है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी, तो सोचो तो क्या होगा? जीरो। ये क्वांटिटी हो जाएगा जीरो, है कि नहीं? अगर बी स्क्वायर और फोर ए सी बराबर हो गए, इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी तो द डिफरेंस विल बी जीरो। अगर ये डिफरेंस जीरो हो गया तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? समथिंग प्लस जीरो बाई टू ए, समथिंग माइनस जीरो बाई टू ए, मतलब दोनों रूट्स बराबर होंगे। तो दोनों रूट बराबर होने का कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू फोर ए सी। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे पहला चीज समझ में आया, द इफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी द रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट बराबर होंगे कब? जब बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए सी। क्या मेरी बात समझ में आया? Yes, sir. Yes. अच्छा सोचो कि इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी, तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर ए सी मतलब कुछ तो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, उसका रूट ओवर भी कुछ पॉजिटिव चीज आएगा, तो यहां पर होगा माइनस डी प्लस समथिंग माइनस बी माइनस समथिंग, हाउ मेनी रूट्स यू विल गेट? टू रूट्स, बट आर दे सेम? नो दे आर डिफरेंट, लेकिन रियल रूट्स आते हैं। तो क्या लिखेंगे? इफ बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac द रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट रूट आएंगे, अलग अलग रूट आएंगे और कुछ रियल नंबर्स आएंगे। समझ में आया क्या? अगर बाय चांस कुछ इक्वेशन कोई ऐसे बना दिया कि बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब मान लो कि आया माइनस 16, 16 का रूट ओवर 4 होता है, माइनस 16 का रूट ओवर माइनस 16 का रूट ओवर है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड पढ़ोगे बाद में 4i, आई होता है इमेजिनरी नंबर, इम्पॉसिबल नंबर नहीं इमेजिनरी नंबर इसको कहते हैं। फिलहाल हमारा उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, सो दे बिकम्स कॉम्प्लेक्स, दे आर नॉट रियल। तो हम क्या कहेंगे? अगर बी स्क्वायर लेस देन 4ac हो गया तो यहाँ पर एक नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर हम नहीं निकाल सकते, तो हम कहेंगे देर आर नो रियल रूट्स, द रूट देर आर नो रियल रूट्स। समझ में आया क्या? है ना? तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये रियल रूट होने के लिए क्या होना था। अच्छा ये बात है, अगर ये चीज हमें समझ में आ गया, थोड़ी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय 3x² माइनस 10x प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी
द रूट्स आर इक्वल, दोनों रूट बराबर होंगे। कौन सा वैल्यू ऑफ सी के लिए दोनों रूट बराबर होंगे? दोनों रूट बराबर होने का कंडीशन क्या था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, है कि नहीं? तो बस करो इसको सॉल्यूशन, देखते हैं कौन कर पाता है पहले। कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए मिल गया 3, बी मिल गया -10। फॉर इक्वल रूट्स क्या होना है? फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4ac। बी स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 4। ए कितना है? ए इज 3। सी कितना है? अरे वही तो पता करना है। तो सी का वैल्यू कितना आ गया? देखो तो ये 100 है, ये 12 है। इट इज 100 बाय 12 इज 30/6, दैट इज 25/3। तो अगर सी का वैल्यू 25/3 होगा, इस इक्वेशन के दोनों रूट बराबर होंगे। आर यू गेटिंग? चलो ठीक है। तो क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ? बताओ मैं पास हुआ कि फेल हुआ? मैं पास हुआ कि फेल हुआ? पास। चलो ठीक है ठीक है, आप लोग कभी फेल नहीं होते, मैं पास या फेल होता हूँ। तो अगला क्वेश्चन देता हूँ, अगला क्वेश्चन देता हूं करने के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक हो गया, लिख लिया आप लोग? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि फॉर द इक्वेशन 3x² प्लस bx प्लस 12 इज इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ b फॉर व्हिच रूट्स आर इक्वल टू ईच अदर। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो? yes, जल्दी जल्दी करिए और आंसर निकालिए जिसके लिए रूट्स इक्वल होंगे, आपको बताना है। थोचो यस, आपको बी का वैल्यू बताना है जिसके लिए रूट्स इक्वल होंगे। पहला आंसर आ रहा है बी इज इक्वल टू 12। यस सर, बी इज इक्वल टू 12। बी इज इक्वल टू 12, देखा, पकड़ लिया आप लोग। हाँ सोमिक, कोई आंसर आ रहा है क्या? यस सर, 12 आया। सॉल्यूशन क्या कहेंगे? हियर ए इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 12। फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4ac इंप्लाइज बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 12, नहीं? तो इसका मतलब हुआ दिस इज केमेस 12 का स्क्वायर, तो बी हो गया 12। समझ में आया क्या? तो बी इक्वल टू 12 लेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यूज आ जाएंगे। आया समझ में? अच्छा थोड़ा सोचो, यहाँ पे अगर b का वैल्यू -12 लेंगे तो अभी तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा। yes, होगा कि नहीं होगा? yes, b इक्वल टू -12 ले लेंगे तब भी b का स्क्वायर जो होगा 12 लेने से भी b का स्क्वायर वही होगा। मतलब हमारे पास दो आंसर आए, क्या लिखेंगे? b इक्वल 12 एंड दो तो वैल्यू आ गया। सो फॉर b इक्वल टू 12 एज वेल एज b इक्वल टू -12, ये इक्वेशन की रूट्स इक्वल होंगे। हाँ लिख सकते हैं। क्या मैं सबको ठीक से समझा पाया? यस सर। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन।
बिफोर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नोट पॉइंट नंबर टू बताना चाहता हूं। ठीक है, प्रीवियस क्लास भी हम लोग देख चुके हैं, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। भूल गए थे तो थोड़ा मैं लिख देता हूं, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, सी ए है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता था, सी बाई ए। ये आपको याद रखना है, सी ए क्यों लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर हम कहेंगे जो रूट्स निकलेगा उसका सम क्या है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट क्या है, सी बाई ए। समझ में आया, ये चीजें आपको याद रख ली, बताए थे प्रीवियस क्लास, फिर से थोड़ा मैं इसको रिपीट कर दिया। चलिए Now see this question. यहां पर एक खंबा था, जो खंबा का हाइट कितना था, से इट वॉज समथिंग लाइक 9 meter, 9 meter का खंबा था। ठीक है, दिस खंबा ब्रेक्स समवेयर, कहीं टूट गया, कहीं टूट गया, कितना हाइट में टूटा मालूम नहीं है, टूटने के बाद ऐसे गिरा, द खंबा फॉल्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये खंबा गिरा जो ऐसे गिरा और पता चला कि ये डिस्टेंस कितना हुआ, 3 meter। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट, 5 meters। लेंथ ऑफ द ब्रोकन पार्ट क्या होगा वो हमें निकालना है। मैं तो इसे वैल्यू दे दिया, तुम लोग क्या दिए, क्या लिखेंगे, इन फिगर शोन, इन फिगर शोन ए पोल ऑफ लेंथ 9 meter ब्रेक्स, एंड टॉचेस ग्राउंड एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस 3 meter फ्रॉम बेस, फाइंड एक्स। पूछा है एक्स क्या है बताओ, यहां पर मैं सिंपल वैल्यू दिया हूं ताकि आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो या फिर जब हमारा डायरेक्ट मेथड उससे भी कर सकते हो। अगर वैल्यूज आर्बिट्रली दे देता, 9 की जगह 11 दे देता तो फिर निकालने में दिक्कत हो जाता, सेकंड मेथड ही काम में लगता। एनीवे मैं सिंपल दिया हूं बिकॉज आई वांटेड टू गिव यू द कांसेप्ट बिहाइंड। कोई पोल था जिसका हाइट कितना था, द हाइट ऑफ द पोल वाज 9 meter, और कुछ यहां से टूटा और ऐसा टूटा कि उसका बेस यहां से 3 meter दूरी पे टच कर रहा है, पूछा है बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, मैं नेट में देखा था एक बार, क्वेश्चन ऐसे तो आया था, एक बच्चे ने बड़े शानदार जवाब दिया था, ऐसे दिया था कोई क्वेश्चन में दिया है कि ये 6 है, ये 8 है, और क्वेश्चन में दिया है फाइंड एक्स। पता है बच्चा क्या लिखा है सॉल्यूशन में, ऐसा गोल घुमाया लिखा है हियर एक्स का है ना यहाँ बड़े शानदार जवाब, फाइंड एक्स, हाँ यहाँ एक्स ढूंढने के लिए लग गया हूँ। समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं, फाइंड एक्स का मतलब ये मत करना कि यहाँ है सर, ऐसा नहीं, हमें निकालना है उसका वैल्यू फाइंड एक्स। बच्चे अजीब गरीब होते हैं, राइट इन कैपिटल बोलने से भुवनेश्वर चले जाते हैं, बोले कैपिटल है हमारा भुवनेश्वर वहीं पे लिखेंगे, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं बड़े अजीब गरीब टाइप। हाँ, अरे मैं आई सरप्राइज, मैं फैक्ट्स बोल रहा हूँ, आप नेट में ढूंढो, पेपर मिलता है ना, एकदम ऐसे ही लिखा, ऐसे लिखा रहता ना एकदम। मैं एक क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन दिखा ऐसे लिखा था कि इफ एक्स इज इक्वल टू 5, इफ एक्स इज इक्वल टू 5 1 बाय सॉरी सॉरी
सॉरी दिया है क्वेश्चन में दिया था इफ एक्स इज इक्वल टू 8 देन 1 बाय एक्स माइनस 8 कितना होता है जीरो ही होगा 1 बाय 0 1 बाय 0 क्या होता है जीरो इनफाइनाइट 1 बाय 0 होता है इनफाइनाइट ऐसे लिखते हैं समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ए वेरी लार्ज क्वांटिटी है कि नहीं तो ये होता है इनफाइनाइट ये बच्चों को बताया गया फिर क्वेश्चन में पूछा इनफाइनाइट मतलब वेरी लार्ज है कि नहीं फिर क्वेश्चन दिया था इफ एक्स इक्वल टू 5 देन 1 बाय एक्स माइनस 5 कितना होगा आप लोग बोल सकते हो क्या इनफिनिटी होगा लेकिन वो लड़का क्या लिखा था मालूम है वो ऐसा लिखा था वो सोचा वो ऐसे हुआ ऐसे हो गया ऐसे बच्चे मिल जाते समझ में बोला ये खड़ा है लेट गया तो हम इस किस्म की बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहे हम लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं तो हमें कुछ कुछ जानकारी तो है तो क्या लिखेंगे एक्स का वैल्यू निकाला अच्छा सॉल्यूशन पे चलते हैं सॉल्यूशन पे चलेंगे सर हो जाएगा अच्छा ये अगर एक्स है ये निकाल पाओगे ना ये लेंथ कितना है और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप करना है नहीं yes. तो ठीक है आप डेवलप करो इस इक्वेशन को sir, और जिसमें से x का वैल्यू निकालना है निकालिए यू कैन डू इट नाउ करो यस देखिए ये जो पोल है इसका लेंथ 9 मीटर था यहां से टूटा तो ये लेंथ कितना है जो कि बेस से 3 मीटर दूरी पे ग्राउंड को टच किया ये हमारा क्वेश्चन है सपोज ये x है और वो x हमें निकालना है x निकालने के लिए क्या करेंगे अगर ये x होगा तो दिस इज 9 माइनस x क्या ये समझ में आ गया सबको कि ये 9 माइनस x है यस अगर ये 9 माइनस x है तो हम कहेंगे व्हाट आई हैव टू डेवलप एन इक्वेशन ऑफ x जिसको सॉल्व करने से हमें x मिल जाएगा तो हम कहते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास है तो हम कह सकते हैं ये फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा क्या आ जाएगा देखो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर क्या है 9 माइनस x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब सिंपलीफाई करिए कितना हो गया देखो x स्क्वायर 9 माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 माइनस 18x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 अब इधर का x स्क्वायर गए है ना 18x को इधर ले आओ 18x इज इक्वल टू 81 प्लस 9 इज 90 क्या हम x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हाउ मच इट इज कमिंग आउट टू बी 5 कितना सिंपल था हाँ जबरदस्ती इधर उधर करने की क्या जरूरत है चीजें समझ में आ गया इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन आपका क्यों नहीं बनना था समझ में आ गया ठीक है अगला क्वेश्चन अच्छा अगला क्वेश्चन में ऐसा है फॉर द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूव दैट सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए ये हमें प्रूव करना है कितना सिंपल है क्या हमें रूट्स मालूम है कैसे स्टार्ट करेंगे ये हमें प्रूव करना है तो सॉल्यूशन कैसे चलेगा वी नो दैट द रूट्स आर एक्स इज इक्वल टू रूट्स आर इसके रूट्स क्या बनते हैं माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर बाय टू ए तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे
सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी बाई टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रूट ओवर बाई टू ए प्लस, ये हो गया पहला रूट है कि नहीं। दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई टू ए माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये हो गया दूसरा रूट, एक प्लस वैल्यू को लेके एक माइनस वैल्यू को लेके। अब अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या है प्लस ऑफ दिस, यहाँ पर है माइनस ऑफ दिस, विल दे कैंसिल आउट, यस ये दो इसको खा गया, व्हाट इज लेफ्ट विद इज माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए, दैट इज ट्वाइस ऑफ माइनस बी बाई टू ए, टू टू को खा गया तो माइनस बी बाई ए रूट, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए। क्या चीजें समझ में आ रहे हैं? यस सर, यस यस समझ आ रहा है, समझ में यस सर, ठीक है। ये हो गया प्रूव करना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमको क्या फिजिक्स में क्या जरूरत पड़ेगा बताओ, कोई इक्वेशन आ जाएगा उसमें से वैल्यू निकालो, बस यही। अब वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे, अगर सिंपल इक्वेशन है डायरेक्टली मिल जाता है मिडिल टर्म फेडरेशन तो अच्छा है, लेकिन मिडिल टर्म फेडरेशन में एकदम ट्राई नहीं करेंगे, कभी कभार गड़बड़ हो जाता है, जबकि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाने से गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं, जस्ट कैलकुलेशन करना है, वैल्यूज फटाफट निकल के आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग इतने ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे अगले चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट क्या स्लोप, स्लोप ऑफ ए कर्व कैसे निकालते हैं, स्लोप के बारे में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा वेक्टर के बारे में, फिर विल स्टार्ट विथ आवर काइनेमेटिक्स मोशन, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।